समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। देपालपुर, मेजर सुरेंद्र पुनिया ने कहा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। देपालपुर में एक कार्यक्रम में मेजर सुरेंद्र पुनिया पहुंचे, जहां उन्होंने मंच से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जनता को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव को लेकर देश हित में मतदान करने की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने मंच से अपील की कि ऐसे व्यक्ति को चुने जो देश को संभाल सके और जो राष्ट्र में सही निर्णय ले सके, ऐसे व्यक्ति को चुने और मतदान अवश्य करें। इतना ही नहीं, मेजर पुनिया ने बातों ही बातों में पूर्व प्रधानमंत्री पर तंज भी कसते। वहीं कार्यक्रम के पश्चात मीडिया से रूबरू होते हुए प्रियंका गांधी के इंदौर दौरे को लेकर कहा कि राहुल और प्रियंका तो बीजेपी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि वह कांग्रेस का नहीं बीजेपी का प्रचार करने आते हैं। वे जितना प्रचार करते हैं उससे बीजेपी का ही प्रचार होता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जहाँ भी जाते हैं कांग्रेस की नैया डुबो देते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो हमारी पार्टी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। वहीं अभिनेता कमल हसन के बयान पर कहा कि वे तो चाची 420 हैं। हमें धर्म जाति परंपरा से ऊपर उठकर देखना चाहिए, यहाँ सब एक हैं। उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी की सरकार आएगी और 300 से ज्यादा सीट आ रही हैं बीजेपी की। हमारी सरकार बन रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपकी देश की सेना के हाथ मजबूत करे, आप उन लोगों को चुने। आप लोग उन लोगों को चुने जो देश के शहीदों की कदर करते हैं। आप लोग उन लोगों को चुने जो सेना के अध्यक्ष को, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा ना बोले। आप लोग उन लोगों को चुने जो देश की वायुसेना अध्यक्ष को झूठा ना बोले। आप लोग उन लोगों को चुने जो देश की सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत ना मांगे। आप लोग उन लोगों को चुने जो देश की एयरफोर्स से एयर स्ट्राइक का सबूत ना मांगे। आप लोग उन लोगों को चुने जो पाकिस्तान के आईएसआई चीफ की किताब का नया विमोचन कर रहे थे। ऐसे लोगों को मत चुन लेना आप। आप लोग उन लोगों को कभी मत चुनना जिन्होंने 26/11 पे जो हमला हुआ, जिसमें हमारे देश के 166 लोग मरे और देश के वायुसेना अध्यक्ष ने कहा कि हम पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला करते हैं, और देश के प्रधानमंत्री ने कहा लोग क्या कहेंगे। वही देश है, वही देश की सेना है। मैंने आपको पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, देश की सेना, आपके देश के पास सेना है, आपके पास सेना है, आप सबके पास सेना है। जो देश की सेना वो आपकी सेना है, और पाकिस्तान की सेना के पास एक देश है पाकिस्तान। ये अंतर है दोस्तों। तो जो आप चाहोगे ना वही देश की सेना करेगी। अरे आप कैसे चाहोगे? ये कार्यक्रम जलियांवाला बाग उसकी जो शताब्दी के उपलक्ष में जो देवालपुर के स्वयं से संस्था बहुत खुशी है कि देवालपुर कैसा राष्ट्रवाद और जागरूक लोगों का एक मानवा संगठन है, जो हर वक्त शहीदों के साथ, सैनिक परिवारों के साथ और सेना से जुड़े किसी भी गौरवशाली जो इतिहास है उसको जनता के सामने लाने के लिए या उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये बहुत बहुत प्रोग्राम करते रहते हैं। तो मेरी ओर से जितने भी आयोजक हैं, आगामी लोकसभा चुनाव जो क्षेत्र में नज़दीक है, कुछ दिनों बाद वोटिंग होने वाली है, प्रधानमंत्री ने भी इंदौर से कल हुंकार भरी है, वहीं आज प्रियंका गांधी भी पहुंची, क्या कहेंगे उसको? इंदौर तो वैसे भी बीजेपी की सीट है और नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य है, आपका शहर पूरे हिंदुस्तान में इसलिए जाना जाता है कि पूरे देश में पिछले 3 बार जो स्वच्छता अभियान के लिए जो अवार्ड मिला है वो आपके शहर को मिला है। और इससे पहले भी इंदौर का जो रिकॉर्ड है वो अगर आप देखेंगे तो ये सीट परंपरागत तौर पर भी बीजेपी की हुई है। और आज जो वोटिंग हो रही पूरे देश में वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हो रही है। दूसरी साइड में सारा जो विपक्ष है उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं, उनके पास सिर्फ एक मुद्दा है, वो क्या कि नरेंद्र मोदी जी को उठाओ। अब कोई उनसे पूछे क्यों उठाओ तो उनके पास कोई जवाब नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसलिए उठाना चाह रहे हैं कि इन लोगों ने पिछले 70 साल से दुकान खोल रखी है, एक परिवार ने, एक प्राइवेट कंपनी, एक परिवार, जिसके साथ मिलकर कुछ लोगों ने इस देश को लूटा 55 साल तक। तो इन लोगों की और कुछ क्षेत्रीय दल हैं जो किसी कुछ कुछ परिवारों द्वारा चलाए जा रहे हैं, सबकी दुकान बंद हो जाएगी। दोनों
दोनों ही पार्टी ने अपने स्टार प्रचारक इंदौर में भेजे हैं। कल बीजेपी से नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे थे, वहीं आज प्रियंका गांधी पहुँची है, तो प्रियंका गांधी की भी आज सभा में काफी लोग देखने को मिले, क्या कहेंगे उसको लेकर? खबर समय जगत के लिए देपालपुर से पारस बारोट की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।